जिला बिलासपुर में हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसके चलते देर रात एक गाड़ी 2 किलोमीटर आगे एक नाले में गिर गई। ये कार स्वारघाट से बिलासपुर की तरफ जा रही थी, जिसमें 3 लोगों को चोटें आई थी। उन लोगों को स्थानीय अस्पताल बिलासपुर में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। दूसरी घटना गंबर पुल से 1 किलोमीटर आगे एक कार जो कि स्वारघाट से मनाली की तरफ जा रही थी, जिसमें 4 लोग सवार थे, वो हवा में लटक गई, जिसमें कुछ लोग अपने परिवार के साथ हरियाणा से कुल्लू मनाली घूमने के लिए जा रहे थे। उन्हें कोई चोट नहीं आई और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। जिला बिलासपुर में हल्का बूंदाबांदी के कारण 2 गाड़ियां हादसे का शिकार हुई, जिसमें एक गाड़ी में कुछ लोगों को चोटें आई हैं और दूसरी गाड़ी हवा में लटक गई। क्योंकि पिछले सोमवार से ही सुबह से ही जिला बिलासपुर में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। देर रात एक गाड़ी 2 किलोमीटर आगे एक नाले में गिर गई। कार नंबर HP24D3314 ये कार स्वर्गढ़ से बिलासपुर की तरफ जा रही थी, जिसमें 3 लोगों को चोटें आई थी। उन लोगों को स्थानीय अस्पताल बिलासपुर में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को कब्जे में लिया। और दूसरी घटना गंबर पुल से 1 किलोमीटर आगे एक कार HR20AM5051 जो कि स्वारगार से मनाली की तरफ जा रही थी, जिनमें 4 लोग सवार थे, कार हवा में लटक गई, जिसमें कुछ लोग हरियाणा से कुल्लू मनाली घूमने के लिए जा रहे थे अपने परिवार के साथ, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। जब वे गंबरपुर के थोड़ा पीछे थे, उनकी कार नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क के किनारे बने पैराफिट के ऊपर चढ़ गई, जिससे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया है, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होते होते टल गया।